सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने कहा है कि आज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह रहमतुल्लाह अलैह के पाकिस्तान में किसी को आयन छिकनी से रोकना एक ख़तरनाक अमल है, क्योंकि जवाब में आयन को बूट की नोक पर रखने वाले फौरी तौर पर आपको गद्दार करार दे डालेंगे। उनका कहना है कि 16 दिसंबर सन 2021 को सकूत ढाका के 50 बरस मुकम्मल हो जाएंगे, लेकिन अफसोस के इसके बावजूद किसी ने कोई सबक नहीं सीखा और बचे खुचे पाकिस्तान को भी मसलसल झूठ और नफरत की आग में जलाया जा रहा है। वो वार्निंग देते हैं कि अगर आज ये सिलसिला ना रोका गया तो फिर बाकी मांदा पाकिस्तान को बचाए रखना भी नामुमकिन हो जाएगा। अपनी खसूसी तहरीर में हामिद मीर कहते हैं कि आज के पाकिस्तान में किसी को काम चोरी से रोकना भी काफ़ी ख़तरनाक है। अगर काम चोरी से रोकने वाला गैर मुस्लिम हो तो उसके साथ वही सलूक हो सकता है जो कुछ दिन पहले सियालकोट में एक फैक्ट्री के श्रीलंकन मैनेजर प्रियंथा कुमार के साथ हुआ। श्रीलंकन मैनेजर बहुत ईमानदार शख्स था, गरीबों की मदद करता था, लेकिन काम के मामले में वो रियायत नहीं देता था। वो काम चोरों के साथ सख्ती करता था, बल्कि उन्हें बर्खास्त भी कर देता था। ऐसे ही कुछ कामचोरों ने दीन इस्लाम की आड़ में उस ईमानदार शख्स पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर पहले उसे कत्ल किया और फिर उसकी लाश को चौक में जलाकर सेल्फियां बनाते रहे। बहुत सारे लोग हैरान हैं कि इस्लाम तो अमन, सलामती और सच्चाई का दर्श देता है, तो फिर मुसलमान किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसे कत्ल कैसे कर सकते हैं। लेकिन हामिद मीर कहते हैं कि हैरानी की कोई बात नहीं, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के पाकिस्तान में ऐसा पहली मरतबा नहीं हुआ। पाकिस्तान बनने से पहले कायदे आज़म पर भी कुफर के फतवे लगाए गए। एक मरतबा तो इन्हें अंग्रेज़ों का एजेंट करार देने वालों ने इन पर कातलाना हमला भी करवा दिया, लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह बच गए। इन पर खंजर से हमला करने वाले शख्स का नाम रफीक साबिर मजंगवी था और इसका ताल्लुक खाकसार तहरीक से था। उस शख्स ने 25 जुलाई सन 1943 को कायदे आज़म पर मुंबई में हमला किया। हमले में कायदे आज़म की ठोड़ी पर जख्म आया, लेकिन उन्होंने हमलावर का वार अपने हाथ से रोक लिया। इससे कबल मोहम्मद अली जिनाह को रफीक साबिर मजंगवी के साथियों ने खतूत लिखे थे कि अगर उन्होंने गांधी जी के साथ इत्तेहाद ना किया तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। गांधी चूंकि सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुओं के मफादात का तहफ्फुज कर रहे थे, इसीलिए मोहम्मद अली जिनाह ने कांग्रेस छोड़कर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की थी। गांधी से हाथ न मिलाने पर कायदे आज़म को अंग्रेज़ों का एजेंट करार दिया गया और काफ़िर आज़म तक कहा गया। लेकिन इस मामले का दिलचस्प पहलू ये है कि कायदे आज़म पर कातलाना हमला करने वाला भी एक मुसलमान था और उन पर कुफ्र के फतवे भी मुसलमानों ने लगाए। हामिद मीर बताते हैं कि सिर्फ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ही नहीं, बल्कि अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पर भी कुफ्र के फतवे लगाए गए, क्योंकि जिनाह की तरह इकबाल को भी कुछ हासदीन अंग्रेज़ों का एजेंट करार देते थे। ऐसे ही किसी हासिद ने सन 1925 में लाहौर की मस्जिद वजीर खान के खतीब मौलवी दीदार अली शाह अलवरी को इकबाल के लिखे हुए कुछ अशार भेजे। इनमें एक शेर ये भी था, गजब है ये मुर्शिदाने खुद हैं, खुदा तेरी कौम को बचाए, बिगाड़ कर तेरे मुसलमानों को ये अपनी इज्जत बना रहे हैं। मौलवी दीदार ने इन अशार की बुनियाद पर शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को काफिर करार दे दिया। साजिश करने वाले की चालाकी देखिए कि उसने मौलवी दीदार से फतवा लेकर मौलाना जफर अली खान के अखबार जमींदार को भिजवा दिया। मौलाना जफर अली खान और इनके नायब मुदीर गुलाम रसूल मेहर दोनों बैरून मुल्क थे, लिहाजा ये फतवा जमींदार अखबार में शाया हो गया। बकौल हामिद मीर, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने अपनी किताब जिंदारूद में मौलवी दीदार का फतवा मिनो अन शाया किया है और ये भी बताया है कि फतवे की अशात पर अल्लामा इकबाल की बजाय फतवा देने वाले मौसूफ मौलवी की मजम्मत हुई। बाद हज़ार सन 1926 में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने लाहौर से पंजाब असम्बली के लिए इलेक्शन लड़ा तो मुखालिफ उम्मीदवार मलिक मोहम्मद दीन ने उन्हें वहाबी करार दे दिया और अहले सुन्नत वल जमात के नाम पर वोट मांगने लगा, लेकिन अल्लामा इकबाल ये इलेक्शन फिर भी जीत गए। सन 1927 में एक हिंदू पब्लिशर राजपाल ने रंगीला रसूल के नाम से एक किताब शाया करके हिंदू मुस्लिम नफरतों की आग भड़का दी। अल्लामा इकबाल ने पंजाब असम्बली में 25 जुलाई सन 1927 को एक करारदाद के जरिए तौहीन अंबिया और बुजुर्गान दीन के इंसदाद के लिए कानून बनाने का मुतालबा किया। चुनाचे कानून बनाकर नाफिज कर दिया गया। मुसलमानों ने इस कानून के तहत राजपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन इसे कोई सजा न मिली। हामिद मीर बताते हैं कि सन 1929 में लाहौर में एक नौजवान गाजी इल्म दीन ने राजपाल को कत्ल कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट में गाजी इल्म दीन का मुकदमा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह ने लड़ा, लेकिन गाजी इल्म दीन को फांसी की सजा मिली। फांसी के बाद गाजी इल्म दीन को लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में दफन किया और इनके जसद खाकी को कब्र में अल्लामा मोहम्मद इकबाल और मौलवी दीदार ने मिलकर उतारा। लेकिन सितम जरीफी देखिए कि गाजी इल्म दीन की हिमायत करने वाले अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म बाद में भी कई मजहबी शख्सियात के इल्ज़ामात और फतवों की जद में रहे। कांग्रेस के हामी मुसलमानों के प्रोपेगेंडे के बायस जब एक मुसलमान मोहम्मद अली जिनाह पर हमलावर हो गया तो कुछ मुसलमान उलमा भी खुलकर कायदे आज़म और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की हिमायत में सामने आ गए। कांग्रेसी उलमा ने गांधी, नेहरू और सरदार पटेल की क़यादत को शरअन जायज़ करार दिया तो सन 1945 में मुफ्ती मोहम्मद शफी ने कांग्रेस की हिमायत पर कुफ्र का फतवा लगा दिया। मुफ्ती रफ़ी उस्मानी ने मुफ्ती मोहम्मद शफी की ज़िंदगी पर लिखी गई किताब हयात मुफ्ती आज़म में वो तफसील बयान की है, जिससे पता चलता है कि दारुल
उलूम देवबंद के कुछ उलमा ने किन वजूहत की बुनियाद पर कायदे आजम की हिमायत शुरू की जिनका ताल्लुक एक शिया खानदान से था। हामिद मीर मजीद बताते हैं कि सैयद साबिर हुसैन बुखारी ने कायदे आजम का मसलक के नाम से किताब लिखी जिसमें बरेलवी उलमा कराम के साथ कायद की कुर्बत की तफसील मौजूद है। इस किताब में वो फतवे भी मौजूद हैं जो मुस्लिम लीग के हामी बरेलवी उलमा ने कांग्रेस वालों के खिलाफ दिए। ऐसी कई किताबें मौजूद हैं जिनको पढ़कर पता चलता है कि तहरीक पाकिस्तान में कायदे आजम का मुकाबला सिर्फ कांग्रेस से नहीं बल्कि कांग्रेस के हामी फतवा ब्रिगेड से भी था और इस फतवा ब्रिगेड का मुकाबला करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने भी मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के उलमा का एक फतवा ब्रिगेड तैयार किया। इस फतवा वार में आखिरकार मुस्लिम लीग जीत गई। ये भी ख्याल रहे कि पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले अल्लामा मोहम्मद इकबाल का ताल्लुक एक सुन्नी घराने से था जबकि इस ख्वाब को हकीकत बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना का ताल्लुक एक शिया घराने से था। दोनों फिरकावारी से दूर रहने वाले सीधे साधे आम मुसलमान थे जिन पर कुफर के फतवे लगाए गए लेकिन ये फतवे इनका कुछ ना बिगाड़ सके। अफसोस के कायम पाकिस्तान के बाद कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ज़्यादा अरसा जिंदा ना रहे। 1948 में इनकी वफात के बाद कुफर के फतवों और गद्दारी के इल्ज़ाम का सिलसिला जारी रहा। बकौल हामिद मीर जनरल अयूब खान ने मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना को इंडियन एजेंट करार दे दिया। फिर इन्हीं इल्ज़ाम के तहत शेख मुजीबुर रहमान को अगरतला साजिश केस में मुलव्वस किया गया। अदालत में इल्ज़ाम साबित ना हो पाया और शेख मुजीबुर रहमान बंगालियों के हीरो बन गए। यूँ आखिरकार गद्दारी के इल्ज़ाम ने पाकिस्तान तोड़ दिया। 16 दिसंबर 2021 को स्कूते ढाका के 50 साल पूरे हो जाएंगे लेकिन किसी ने कोई सबक नहीं सीखा। बचे खुचे पाकिस्तान को झूठ और नफरत की आग में जलाया जा रहा है। हामिद मीर कहते हैं कि वो सिलसिला जो मौलवी दीदार और रफीक साबर मजंगवी ने कयाम पाकिस्तान से कबल शुरू किया था उसे आज रोका ना गया तो पाकिस्तान को बचाए रखना नामुमकिन हो जाएगा। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।